हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय व्याकरण का। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय किसी भी क्रिया शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मीरा मधुर गाती है, कोयल अपने मधुर स्वर के सभी से मन मोह लेती है, राम बहुत थक गया है, हवा धीरे धीरे बह रही है, मोहन ने धीरे से कहा। तो ये है विशेषता बताने वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के निम्न पांच भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स, ये है इनके पांच भेद। मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इनके भेद क्या है, और उनके उदाहरण भी बताया। मैं आपको व्याकरण के क्रिया विशेषण पढ़ा रही हूँ। तो और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें कार्य होने के समय का ज्ञान होता है, जैसे आज, कल, अभी, पीछे, अब, जब, तब, कभी कभी, कब से, नित्य, जब से, हमेशा, सदा से, अभी अभी, तभी, आजकल और कभी। इसका उदाहरण है, राधा अभी आई है, तुम अब जा सकते हो, अब वह परसों आएगा, वह सदैव देर से आता है, कभी कभी राम शाम को भी घर नहीं आता। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कार्य होने के समय का ज्ञान बताए। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने से स्थान या दिशा का ज्ञान होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आसपास, दूर दूर। उदाहरण देखिए, बालक यहाँ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, राम कहाँ जाएगा, जहाँ रामू है वहाँ श्याम भी है। तो ये हो गए इसके उदाहरण, जो कि एक स्थान को व्यक्त करते हैं कि हाँ ये है, यहाँ पे स्थान निश्चित है कि बालक यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो ये होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, वह बिल्कुल थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सको, वह खूब पानी पीता है, वह थोड़ा पैसा मांग रहा है। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हर एक चीज का परिमाण दिया गया है कि जैसे कोई थक जाता है तो वह बिल्कुल थक गया है, तो ये उसका उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण का। दिशावाचक क्रिया विशेषण, इसमें दिशा का ज्ञान होता है, जैसे इधर उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया होने की रीति का ज्ञान हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, वह आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, अध्यापक ने रानी को भली भांति समझा दिया है, निसंदेह श्याम एक ईमानदार बालक है, वह दावत में जरूर जाएगा। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद कौन से हैं? विधि बोधक, सहसा, हाथों हाथ, विधि पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र आदि, निश्चय बोधक, हाँ अवश्य, जरूर, वास्तव में, बेशक, सचमुच आदि, अनिश्चयवाचक, शायद, प्राय, बहुधा, अक्सर, कदाचित, हेतु बोधक, क्यों, किस लिए, इसलिए, अतः, क्योंकि, निषेधवाचक, न, नहीं, मत, कभी नहीं, कदाचित नहीं, प्रश्नवाचक, क्यों, कैसे, क्या, और स्वीकृति बोधक है, हाँ, हाँ जी, ठीक, सच। तो ये हो गए इनके उदाहरण। अवधारण बोधक क्या होता है? अवधारण बोधक हाँ, भी, मात्रा, तो, भर, तक आदि। आकस्मिकता बोध, सहसा, एकाएक, अचानक। आवर्ती बोधक सरासर, फटाफट, धड़ाधड़, खटाखट, झटपट, चुपचाप। तो ये हो गया आकस्मिक कुछ, यानी कि सडनली, सहसा, एकाएक, अचानक, ये हो गया आकस्मिकता बोधक। आवर्ती बोधक क्या होता है? फास्ट काम करने वाला, सरासर, फटाफट, धड़ाधड़, खटाखट, झटपट, चुपचाप, ये हो गया आवर्ती बोधक। क्रिया विशेषण की रचना, मूल क्रिया विशेषणों के अलावा प्रत्यय, समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषण शब्द बनते हैं, ये निम्नलिखित है।
मूल क्रिया विशेषण जो बिना किसी अन्य शब्द या प्रत्यय के सहयोग के ही काम आते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, सदा, ऊपर, हमेशा, सदैव, नीचे, ठीक, चाहे, अचानक आदि। तो ये हो गया मूल क्रिया विशेषण और उनके उदाहरण। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, मात्रा को भी देखिएगा। आगे है यौगिक क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में समास या प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथावसर, आजम, प्रेम पूर्वक, क्षण भर, अनजान, बेशक, चुपके, पहले, धीरे धीरे, शने शने, पुनः पुनः, रातों रात, दिन दहाड़े, कभी कभार, चलते चलते, कल परसों, अनुमानतः, रात तीन, इत्यादि। ये हो गया है यौगिक क्रिया विशेषण और उनके उदाहरण। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि जरा अधिक ऊंचा बोलिए, लता बहुत मधुर गाती है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, खाना खूब जायकेदार था। अब इसमें देखिए, हम बोलते हैं जरा ऊंचा बोलिए, तो यहाँ पे अधिक लगा दिया गया है। लता मधुर गाती है, लता बहुत मधुर गाती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, खाना जायकेदार है और खाना खूब जायकेदार है। तो ये हो गया प्रविशेषण। आगे बढ़ते हैं समानार्थक क्रिया विशेषण का अंतर। अब, अभी, अब में वर्तमान समय का अनिश्चय है, तो अभी का अर्थ तुरंत से है। जैसे अब आप सो सकते हैं, अभी अभी आया हूँ, शाम अब खाना खा ले, मैं अभी कहाँ जाऊँगा। तो ये हो गया समानार्थक क्रिया विशेषण का अंतर। अब और अभी, यानी कि किसी काम को कहना हो, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अब आप पढ़ लीजिए, तो ये हो गया है समानार्थक क्रिया विशेषण का अंतर। तब फिर इनमें क्या अंतर होता है? तब और फिर इनमें अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का बोधक है और फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। जैसे तब उसने भाषण दिया, तब की बात कुछ और थी, फिर अध्यापक क्या कहेंगे और फिर ऐसा न होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का बोधक है, यानी कि और भविष्य की ओर संकेत करता है, यानी कि तब उसने भाषण दिया, उस टाइम पे उन्होंने भाषण दिया। आगे है कहाँ, कहीं, कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोधक है, जबकि कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक है। कभी कभी कहीं निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कहाँ राघव, राघव कहाँ गया, मैं कहाँ आ गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहीं वह कहीं भी जा सकता है। तो ये हो गया कहाँ, कहीं, यानी कि कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोधक है और जबकि कहीं किसी अनिश्चित का परिचायक है। अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है। बहुत अधिक, वह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, कदाचित, कहीं बाघ न आ जाए, विरोध, राम की माया, कहीं धूप, कहीं छाया, मत, भीतर मत जाओ, तुम यह कार्य मत करो, तुम मत गाओ। दो जिसमें इसमें अगर और उदाहरण जोड़ने हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम मत खेलो, तुम मत परेशान करो, ये भी नए सेंटेंस हो सकते हैं। हाँ, ही और भी बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। ही और भी बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। इनमें अंतर यह है कि ही का प्रयोग एकमात्र तथा भी का प्रयोग अतिरिक्त सूचित करता है। ही राम ही कक्षा में उपस्थित था, भी श्याम भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। ये हो गया क्रिया विशेषण, उनके भेद और परिभाषा और उनके उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वो तो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर स्टूडेंट्स।